In this today's video, I am going to discuss about motion straight line, and the topic for today is graphical analysis of motion. So in this topic, the first concept which I will discuss is concept of slope. तो सबसे पहले स्लोप को समझ लेते हैं क्या है. अगर हम एक एक्स वाई प्लेन यहाँ पर फॉर्म कर लें, कुछ इस तरीके से हमने एक्स एक्सिस बना दिया और यहाँ पर हमने वाई एक्सिस बना दिया. अब एक्स वाई प्लेन में अगर एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करें, तो ये हमने एक लाइन फॉर्म कर दी है. इस लाइन को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है. लाइन जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बना रही है, इस एंगल को हमने कह दिया थीटा. सो यहाँ पर ये जो एक्स वाई प्लेन में आपने लाइन बनाई है, अगर इस लाइन का स्लोप आप लिखें, स्लोप ऑफ लाइन, तो इस लाइन का स्लोप आपको मिल जाएगा टेन थीटा. कोई भी लाइन अगर आप ड्रॉ करते हैं, तो वो लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल कितना बना रही है, वो एंगल थीटा आप देख लीजिए, और टेन थीटा से आप उस लाइन का स्लोप निकाल पाएंगे. स्लोप का लिटरल मीनिंग होता है ढलान. तो एक्स एक्सिस से लाइन का स्लोप कितना है, एक्स एक्सिस से लाइन का ढलान कितना है, ये आप यहाँ से निकाल पाएंगे. इसके बाद अब अगर हमको ये जो लाइन हमने फॉर्म करी है, इस लाइन के ऊपर अगर हम दो पॉइंट कंसिडर कर लें, एक पॉइंट हो गया P जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, दूसरा पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2. तो इसी लाइन का स्लोप हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. यहाँ पर इन डिस्टेंसेस को x1 y1 और x2 y2 को x और y एक्सिस पर पहले रिप्रेजेंट कर लीजिए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए. ये जो डिस्टेंस आएगा, ये होगा y2 माइनस y1. सिमिलरली नीचे जो डिस्टेंस मिलेगा, वो आएगा x2 माइनस x1. इस एंगल को हमने कह दिया थीटा, ठीक है, बिकॉज ये नीचे एंगल अगर थीटा फॉर्म हो रहा तो यहाँ भी एंगल ये थीटा ही फॉर्म होगा. अब इस ट्रेंगल में अगर आप टेन थीटा लिखें, सो द टेन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. तो यहाँ पर आपको क्या पता चला कि अगर आपको एंगल पता है कि लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल फॉर्म कर रही है, तो आप वहाँ से स्लोप निकाल सकते हैं. एंड इफ़ यू डोंट नो द एंगल, देन यू नीड टू नो टू पॉइंट्स लोकेटेड ऑन स्ट्रेट लाइन, x1, y1, x2, y2, अगर उनके कोऑर्डिनेट्स रहे होंगे, तो वहाँ से भी आप लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं बाय द फार्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो यहाँ से हम जनरलाइज फार्मूला लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ये किसी भी लाइन के लिए आप स्लोप के फार्मूले के रूप में यूज़ कर सकते हैं. ये तो था स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन. Now we will further enhance this concept. और अभी हम इसमें देखेंगे slope of tangent. तो tangent ऐसी line होती है जो किसी भी curve पर tangent हो या फिर curve को touch करती हुई जा रही हो. तो यहाँ पर x axis बना दिया, y axis बना दिया, एक curve हमने form कर दिया इस तरीके से, और इस curve को cut करती हुई मैंने एक line यहाँ पर draw कर दी है. अब अगर आप इस line को देखें, ये लाइन कर्व को कट करती हुई जा रही है, ये लाइन कर्व को कट कर रही है, ये लाइन कर्व को टच नहीं कर रही, कट कर रही है. कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वन वाई वन, ऊपर वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू, और ये जो कर्व है, इस कर्व की इक्वेशन हम कह देते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स. कुछ इस तरीके से कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स. यहाँ पर ये जो लाइन फॉर्म हुई है, ये लाइन कर्व को कट कर रही है. तो ऐसे में अगर आप लाइन का स्लोप लिखना चाहें, स्लोप ऑफ लाइन, तो स्लोप ऑफ लाइन का फार्मूला हम पीछे देख चुके हैं, y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. तो सेम उसी बेसिस पर मैं लिख सकता हूँ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स. डेल्टा वाई क्या है, यह है y2 टू माइनस वाई वन, और डेल्टा एक्स है x2 टू माइनस एक्स वन. तो फार्मूला वही है, y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. बस मैंने करा क्या है कि y2 टू माइनस वाई वन को मैंने डेल्टा वाई लिख लिया, और x2 टू माइनस एक्स वन को मैंने डेल्टा एक्स लिख लिया. अब देखिए, यहाँ पर ये जो लाइन फॉर्म हुई है, ये लाइन कर्व को कट कर रही है. लेकिन अगर यही लाइन कर्व को टच करती हुई जाना शुरू कर दे, तो इधर एक्स एक्सिस बना दो, इधर वाई एक्सिस बना दो, और अभी सेम कर्व पे हम लाइन फॉर्म करेंगे, लेकिन इस बार लाइन ये टच करती हुई जाएगी कुछ इस तरीके से. इस पॉइंट एम पर ये लाइन टच कर रही है. तो जब ये लाइन कट कर रही है और जब ये लाइन टच कर रही है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब ये लाइन कट कर रही है, तो आप देखो, आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कुछ वाई एक्सिस के लॉन्ग डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, डेल्टा वाई. कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो वाई एक्सिस के लॉन्ग गैप है, वो है डेल्टा वाई. और
इन दोनों पॉइंट के बीच में जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग गैप है वो है डेल्टा एक्स। लेकिन अगर यही लाइन कर्व को टच करते हुए जाना शुरू कर दे तो ऐसे में डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल हो जाएंगे, और जब डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल हो जाएंगे तो ऐसे में ये लाइन कर्व को टच करते हुए जाना शुरू कर देगी। तो यहाँ पर अगर हम इस लाइन का स्लोप लिखना चाहें तो स्लोप हम उसी तरीके से लिखेंगे, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। बस हमको करना क्या है, इसके आगे एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है लिमिट, हम लिमिट लगा देंगे और डेल्टा एक्स को अप्रोच करा देंगे ज़ीरो। अब होगा क्या, अगर डेल्टा एक्स ज़ीरो की तरफ अप्रोच करेगा तो लाइन के लिए डेल्टा वाई भी उसी हिसाब से चेंज होगा, और इसको हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से आप एज अ फार्मूला याद रख सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन एनी कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन एनी कर्व हैविंग इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज गिवन बाई डी वाई बाई डी एक्स। आप वाई जो दिया है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें और किसी भी लाइन का आप स्लोप निकाल पाएंगे जो कि कर्व को टच करती हुई जा रही है। तो टेंजेंट का स्लोप आपको कैसे मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स करके। जो भी कर्व की इक्वेशन दी हो उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। वही जिस किसी भी पॉइंट के लिए निकालना है उस पॉइंट पर आप टेंजेंट का स्लोप वहां से निकाल सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे स्लोप एनालिसिस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, अलग अलग ग्राफ में स्लोप का एनालिसिस हम कैसे करने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी के लिए जो स्लोप का फार्मूला हमने आपको बताया है, स्लोप का फार्मूला हमने बताया आपको टेन थीटा, और टेन थीटा निकलता कैसे था, डी वाई बाई डी एक्स करके। ये हमने स्लोप का फार्मूला देखा है, और इसी डी वाई बाई डी एक्स को अगर दो पॉइंट कर लाइन पर आपको दिए जाए तो वहाँ से आप लिख सकते हैं वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो इस तरीके से लाइन का स्लोप हमने लिखा है। अब इसमें स्लोप का जो फार्मूला आपने टेन थीटा लिखा है, यहाँ से अगर स्लोप के बारे में एक इन्फॉर्मेशन निकालें कि यहाँ अगर थीटा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री हो जाए, टेन थीटा में अगर थीटा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री आप पुट करें तो जो टेन थीटा का वैल्यू आएगा इट विल बी पॉजिटिव, एंड सिमिलरली थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, ऑब्ट्यूस एंगल थीटा बनाए, तो ऐसे में टेन थीटा आपको मिल जाएगा नेगेटिव। कहने का मतलब ये है कि थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री होगा तो जो स्लोप मिलेगा वो स्लोप आएगा पॉजिटिव, और थीटा अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो जो स्लोप आएगा दैट स्लोप विल बी नेगेटिव। तो ये चीज़ें हमको स्लोप के लिए ध्यान रखनी है। अब कुछ एक कर्व बना के हम सीखते हैं कि इनको कैसे अप्लाई करना है। सपोज इस तरीके से हमने एक्स एक्सिस और यहाँ पर वाई एक्सिस बना दिया, और एक स्टैंडर्ड कर्व हम यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। इस कर्व के लिए स्लोप का बिहेवियर देखते हैं। अब स्लोप का बिहेवियर एनालाइज जब कभी भी हम करते हैं तो हम हमेशा ओरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ मूव करते हैं, और जो भी कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करी जाएंगी उन टेंजेंट्स के बिहेवियर को एनालाइज करेंगे। तो ओरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ मूव करना शुरू करिए, और ओरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ जैसे जैसे आप मूव करेंगे वहाँ से आप स्लोप का बिहेवियर एनालाइज करेंगे। चलिए भाई करते हैं एनालाइज। तो ओरिजिन पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो ऐसे टेंजेंट बनेगी, थोड़ा सा और आगे जाएं इस तरीके से टेंजेंट बनेगी, थोड़ा सा और आगे जाएं कर्व पे कुछ इस तरीके से टेंजेंट बनेगी। तो अगर आप इन टेंजेंट्स को देखें, यहाँ ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस से एंगल बना रही ज़ीरो, उसके बाद एंगल इंक्रीज हो गया, उसके बाद ये जो टेंजेंट है इसके लिए एक्स एक्सिस से एंगल और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो स्लोप है टेंजेंट का, यहाँ पर पहले स्लोप है ज़ीरो, उसके बाद स्लोप इंक्रीज़ कर गया, उसके बाद स्लोप और इंक्रीज़ कर गया। जैसे जैसे कर्व पर आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पर। तो आप लिख सकते हैं कि स्लोप इज़ इंक्रीजिंग, इस पर्टिकुलर केस में ढलान बढ़ रहा है, स्लोप इंक्रीज़ कर रहा है। और अगर आप स्लोप के साइन को देखें तो यहाँ पर जो टेंजेंट्स बनाई हैं वो सारी टेंजेंट्स एंगल बना रही हैं 90 डिग्री से कम, थीटा जो बन रहा है वो 90 डिग्री से कम है, तो ऐसे में स्लोप जो आएगा वो आएगा पॉजिटिव। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड ग्राफ का एनालिसिस करते हैं। सपोज इस तरीके से हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया गया है, और इस बार कर्व हमको कुछ ऐसा बना के दिया गया है। अब इस कर्व के एनालिसिस की बात करें, अगर आप ओरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ मूव करें
और कर्व पे जो टेंजेंट्स बनेंगे उनके बिहेवियर को देखें, तो मैं पहले दो तीन टेंजेंट्स बना लेता हूँ। ओरिजिन पर अगर आप टेंजेंट बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगी। आगे बढ़ जाइए, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाएं तो कुछ इस तरीके से आएगी, और आगे पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आएगी। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर ओरिजिन पे टेंजेंट वर्टिकल है, वर्टिकल होने की बिहेवियर है टेंजेंट का, तो यहाँ पर ढलान मैक्सिमम है, और जैसे जैसे कर्व पे आप आगे बढ़ जा रहे हैं जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती जा रही है। दैट मीन्स यहाँ ढलान मैक्सिमम है, यहाँ एंगल जो एक्स एक्सिस से बनेगा वो आएगा मैक्सिमम, और उसके बाद ये एंगल कम होता जा रहा है, ढलान कम होता जा रहा है, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होती जा रही है। इसका मतलब यहाँ अगर आप स्लोप के बिहेवियर को देखें तो स्लोप डिक्रीजिंग नेचर का है, स्लोप यहाँ पर डिक्रीजिंग नेचर का है, और ये जो स्लोप आएगा अगर हम इसके साइन को देखें तो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा थीटा, ये एंगल थीटा 90 डिग्री से छोटा है, तो अगर एंगल थीटा 90 डिग्री से छोटा है तो स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इस पर्टिकुलर कर्व्स के लिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे और देखते हैं कुछ और टाइप के कर्व। ये थर्ड कर्व में हमको दिया गया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है और ये स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन की खास बात क्या है, स्ट्रेट लाइन में अगर आप देखें तो हर एक पॉइंट पर जो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस से वो एंगल सेम आएगा। यहाँ पर अगर इस एंगल थीटा को देखें तो ये जो एंगल होगा ये एंगल थीटा हर जगह सेम आएगा, तो ऐसे में जो स्लोप मिलेगा आपको स्लोप होगा टेन थीटा। यहाँ से आप स्लोप निकाल सकते हैं। अब अगर आप इस पर्टिकुलर लाइन के लिए देखें तो थीटा लेस देन 90 डिग्री है, थीटा लेस देन 90 डिग्री है, दैट मीन्स स्लोप विल बी पॉजिटिव, स्लोप जो भी आएगा वो पॉजिटिव रहा होगा। इसी तरीके से एक चीज़ और देख लो कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में हर एक पॉइंट पर स्लोप जो आएगा वो सेम आएगा, तो ऐसे में आप लिख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन के लिए जो स्लोप होगा वो कॉन्स्टेंट होगा, स्लोप जो आएगा वो कॉन्स्टेंट आएगा। फोर्थ ग्राफ पे आते हैं। फोर्थ ग्राफ में कुछ इस तरीके से हमको कर्व दिया गया है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब आप टेंजेंट्स बनाएं, एक्स एक्सिस की तरफ मूव करते जाएं और टेंजेंट्स बनाएं। तो सबसे पहले पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो कुछ इस तरीके से, ये जो टेंजेंट है देखो वाई एक्सिस के लगभग पैरेलल है, मैक्सिमम ढलान है इस टेंजेंट का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ तो ये हल्का सा टेढ़ी हो गई, इसका ढलान कम हो गया, और अगले पॉइंट पे जब आप टेंजेंट बनाएंगे तो देखो इसका ढलान बिल्कुल कम हो गया, ये बिल्कुल फ्लैट आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट टेंजेंट, सेकेंड टेंजेंट, थर्ड टेंजेंट। अगर आप स्लोप के बिहेवियर को देखें तो स्लोप यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, तो स्लोप इज़ ऑफ डिक्रीजिंग नेचर, स्लोप यहाँ पर डिक्रीजिंग नेचर का है। और दूसरी चीज़ अगर आप स्लोप के साइन को देखें तो किसी भी पर्टिकुलर टेंजेंट के लिए अगर आप देखें तो ये जो एंगल थीटा बन रहा है ये 90 डिग्री से बड़ा है, थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, और थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो जो स्लोप आएगा वो आएगा नेगेटिव। ये पॉइंट भी हमको ध्यान रखना है। आते हैं फिफ्थ ग्राफ पे। फिफ्थ ग्राफ में ये हमको एक्स एक्सिस दिया है, इधर हमको वाई एक्सिस दिया है, और इस बार कर्व का जो बिहेवियर हमको एनालाइज करना है वो कुछ इस तरीके से है। इस तरीके से कर्व दिया गया है। अब यहाँ पर जो कर्व है इसके लिए भी बिहेवियर एक बार देख लेते हैं, टेंजेंट्स बना बना के देखेंगे हम। सबसे पहले इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, लगभग लगभग टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बनी है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, टेंजेंट का ढलान इंक्रीज कर गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, टेंजेंट का ढलान और ज़्यादा इंक्रीज कर गया। तो ये फर्स्ट टेंजेंट, ये सेकेंड टेंजेंट, ये थर्ड टेंजेंट। जैसे जैसे कर्व पे आप आगे मूव कर रहे हैं, यहाँ पर ढलान लगभग बहुत कम है, जीरो के आसपास है, उसके बाद ढलान इंक्रीज़ कर गया। यहाँ पर थर्ड पॉइंट पे ढलान मैक्सिमम है, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया। दैट मीन्स यहाँ पर जो स्लोप है ये स्लोप इंक्रीज़ कर रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज स्लोप इंक्रीजिंग है। और अगर स्लोप के साइन को देखें आप तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये 90 डिग्री से बड़ा है, तो ऐसे में जो स्लोप आएगा वो आएगा नेगेटिव। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए। नेक्स्ट सिक्स्थ ग्राफ की बात कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ वाई एक्सिस हो गया, एक स्ट्रेट लाइन दी गई है। तो यहाँ पर अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन दी गई है, तो यहाँ पर अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो ऐसे में ढलान इसका हो जाएगा ज़ीरो। तो इसका स्लोप कितना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है इसलिए इसका स्लोप हो जाएगा ज़ीरो। और जब स्लोप ज़ीरो है, और दूसरी चीज़ यहाँ तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप वैसे भी कॉन्स्टेंट होता है, तो ये स्लोप ज़ीरो रहेगा। साइन बताने की नीड नहीं है क्योंकि ज़ीरो ही है स्लोप।
और दूसरी चीज़ कि स्लोप इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा ये भी बताने की नीड नहीं है यहाँ पर। आफ्टर ऑल दीज कॉन्सेप्ट अब हम इसमें देखेंगे ग्राफ में स्लोप के बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है वो है अप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एरिया ऑफ ग्राफ। इंटीग्रेशन का यूज़ करके हम किसी भी ग्राफ का एरिया कैसे निकालते हैं। पहले एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक कर्व फॉर्म कर लेते हैं, ये हो गया एक्स एक्सिस, ऊपर हो गया वाई एक्सिस, एक कर्व फॉर्म कर लेते हैं। सपोज़ इस तरीके से हमको कोई कर्व दिया है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। अब अगर इस कर्व का एरिया हमको निकालना है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, तो इस कर्व का एरिया कितना होगा, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए क्या प्रोसीजर हो सकता है। अब ये कोई स्टैंडर्ड कर्व तो है नहीं जिसके एरिया का फॉर्मूला आपको आता हो, तो ऐसे में इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा। तो ऐसे में हमारी हेल्प करेगी मैथमेटिक्स। ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर अगर मैं एक बहुत पतली सी स्ट्रिप बना लूं जिसकी विड्थ हो डी एक्स, डी एक्स विड्थ की मैंने यहाँ पर स्ट्रिप फॉर्म कर ली है, और इस स्ट्रिप की जो हाइट है इसको हमने कह दिया वाई। तो स्ट्रिप की हाइट कितनी है वाई और स्ट्रिप की विड्थ है डी एक्स। तो ऐसे में ये जो स्ट्रिप बनी है लगभग लगभग ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनी है, तो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है। अब अगर इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का आप एरिया निकालें तो इसके एरिया को हमने कह दिया डी ए, और ये डी ए होगा कितना, सीधे सीधे लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ है इस स्ट्रिप की वाई और विड्थ है डी एक्स, तो स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा वाई इंटू डी एक्स। अब आगे देखिए, हमको तो पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में पूरे कर्व का जो एरिया होगा एक्स एक्सिस पर वो पूरा एरिया निकालना है, तो अब हमको करना पड़ेगा इंटीग्रेट। उसके लिए ओरिजिन से एक्स वन डिस्टेंस से ले करके ओरिजिन से एक्स टू डिस्टेंस तक कर्व को हम कर देंगे इंटीग्रेट। तो इसको इंटीग्रेट कर दो एक्स वन से एक्स टू, और आपको यहाँ पर टोटल एरिया मिल जाएगा जो भी ये ए से बी कर्व एरिया कवर कर रहा होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, एरिया ऑफ कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ऐसा कोई क्वेश्चन अगर कर्व का रहा हो तो उसका जो एरिया होगा बिटवीन एक्स वन टू एक्स टू इज गिवन बाई इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, और लिमिट पड़ जाएगी हमारा एक्स वन से एक्स टू। ये हमको टोटल एरिया यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया एरिया के लिए। कैसे निकालेंगे एरिया, कोई भी कर्व दिया हो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का, तो इंटीग्रेशन वाई डी एक्स लिमिट एक्स वन से एक्स टू, आपको टोटल एरिया उस कर्व का एक्स वन से एक्स टू के बीच में जो भी फॉर्म होगा एक्स एक्सिस पर वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारे कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ हैं काइनेमेटिक्स में जिनका एनालिसिस हमको करना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। तो इधर ये हो गया पोजीशन, इधर हो गया टाइम। अब पोजीशन टाइम ग्राफ आपको अगर इस तरीके से दिया गया है, ये हमारा हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ। अब पोजीशन टाइम ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस तरीके से टेंजेंट आएगी, ये हो जाएगा टेंजेंट। देखिए ज़रा, अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक्स वाई प्लेन में कोई कर्व दिया जाए और इस कर्व पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट निकालें तो टेंजेंट का स्लोप आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स से। डी वाई बाई डी एक्स होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप इस पोजिशन टाइम ग्राफ के लिए अप्लाई करें तो ये कैसे अप्लाई होगा, देखिए वाई एक्सिस पर हमने रख दिया है पोजिशन को और एक्स एक्सिस पर रख दिया है टाइम को। तो ऐसे में अगर टेंजेंट का स्लोप आप निकालें, स्लोप ऑफ टेंजेंट इन पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ में जो टेंजेंट का स्लोप आएगा वो आएगा डी एस बाई डी टी। जैसे आपने उधर डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, अब वाई रिप्लेस हो गया एस से और एक्स रिप्लेस हो गया टी से, तो जो टेंजेंट का स्लोप आएगा वो आएगा यहाँ पर डी एस बाई डी टी, ठीक है। और डी एस बाई डी टी आप जानते हैं डी एस बाई डी टी होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ से अब काम की बात हमको जो मिली है उसको समझ लेते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ में कभी भी आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया हो तो आप लिख सकते हैं इन पोजीशन टाइम ग्राफ स्लोप ऑफ टेंजेंट गिव्स अस
इन पोजिशन टाइम ग्राफ स्लोप ऑफ टेंजेंट गिव्स अस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पोजिशन टाइम ग्राफ में जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा। आफ्टर दिस पोजिशन टाइम ग्राफ हमने कर लिया है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो ग्राफ है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे आते हैं, तो इधर हो गया वेलोसिटी, इधर हो गया टाइम, सेम वही चीज़ यहाँ भी है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप कर्व ड्रॉ करें और इसके किसी पॉइंट पर आप टेंजेंट बनाएं, तो जैसे एक्स वाई कर्व में जो स्लोप होता था टेंजेंट का वो आपको मिलता था डी वाई बाई डी एक्स से, ये होता था स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप टेंजेंट का स्लोप लिखना चाहें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इट विल बी वाई विल रिप्लेस बाय स्मॉल वी एंड दिस एक्स विल रिप्लेस बाय स्मॉल टी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको मिल जाएगा डी वी बाई डी टी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप होगा डी वी बाई डी टी। अब देखिए ये डी वी बाई डी टी क्या होता है, डी वी बाई डी टी होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इन वी टी ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट गिव्स अस इंस्टेंटेनियस, स्लोप ऑफ टेंजेंट गिव्स अस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। वी टी ग्राफ में जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो हमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताएगा। तो इस बात को यहाँ से समझ लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम अभी आगे भी अप्लाई करेंगे। सिमिलरली एक दूसरी चीज़ देखिए, जैसे आपको एरिया के लिए मैंने बताया था कि एक्स वाई प्लेन में कोई कर्व दिया जाए, एक्स वाई प्लेन में तुमको कोई कर्व दिया जाए और उसका एरिया आप निकालो, तो इसके एरिया को आप लिखते थे इंटीग्रेशन वाई डी एक्स इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ पर अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपको कर्व दिया गया है और इस कर्व का एरिया आप निकालें, तो इस कर्व का जो एरिया होगा वो रिप्रेजेंट होगा इंटीग्रेशन वी डी टी से। सिमिलरली देख लीजिए आप, वाई जो था वो वी से रिप्लेस हो गया, एक्स जो है वो टी से रिप्लेस हो गया, तो एरिया होगा इंटीग्रेशन वी डी टी। और इंटीग्रेशन वी डी टी देखिए आपको क्या दे देगा, ये दे देगा आपको डी एस, डी एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि एरिया ऑफ वी टी ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, वी टी ग्राफ का जो एरिया होगा वो हमको डिस्प्लेसमेंट दे देगा, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। तो ये एरिया ऑफ वी टी ग्राफ विल गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल लो वो एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा। थर्ड ग्राफ है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, इस तरीके से ग्राफ आपने बनाया है। तो अगर इस कर्व का आप एरिया निकालें तो एरिया आएगा इंटीग्रेशन ए डी टी, जैसे एक्स वाई के बीच में रहता था तो इंटीग्रेशन वाई डी एक्स होता था एरिया, वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पर स्मॉल ए आ चुका है इसलिए स्मॉल ए लिख दिया, एक्स एक्सिस पर टाइम आ चुका है इसलिए स्मॉल टी लिख दिया, तो एरिया जो मिलेगा वो आएगा इंटीग्रेशन ए डी टी। अब एक्सेलरेशन का फार्मूला आप जानते हैं डी वी बाई डी टी, अब यहाँ से अगर डी टी को इधर मल्टीप्लाई करें तो डी वी तुमको मिलेगा ए डी टी, अब यहाँ से अगर इंटीग्रेट कर दो टी वन से टी टू तक तो ये हो जाएगा वेलोसिटी वी वन से वी टू तक, तो डी वी का इंटीग्रेशन होगा वी, लिमिट आप पुट करें तो वी टू माइनस वी वन, और ये होगा इंटीग्रेशन ए डी टी टी वन से टी टू। और इंटीग्रेशन ए डी टी टी वन से टी टू क्या है, ये है एरिया ऑफ ए टी ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑन टाइम एक्सिस, दिस इज एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑन टाइम एक्सिस। और ये आपको देगा क्या, ये बता देगा आपको चेंज इन वेलोसिटी वी टू माइनस वी वन, इट विल गिव यू चेंज इन वेलोसिटी, ये हमको बता देगा चेंज इन वेलोसिटी वी टू माइनस वी वन। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के लिए हमको एरिया ध्यान रखना है। उसके बाद है एक्सेलरेशन पोजिशन ग्राफ, इसको भी समझ लो, एक्सेलरेशन पोजिशन,
इधर है एक्सेलरेशन और एक्स एक्सिस पर है पोजीशन एस। अब एक्सेलरेशन का एक फार्मूला हम जानते हैं, वी डी वी बाई डी एस। अब यहाँ से वी डी वी बाई डी एस में अगर डी एस को इधर मैं ए से मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा ए डी एस इज इक्वल टू वी डी वी। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ज़ीरो से एस तक जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ लिमिट्स मिलेंगी वी वन से वी टू। ये हो जाएगा ज़ीरो से एस ए डी एस इज इक्वल टू वी डी वी का इंटीग्रेशन आएगा वी स्क्वायर बाई टू, और इसमें अगर आप लिमिट पुट करें वी वन से वी टू तो ये आएगा वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर बाई टू। अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन ए डी एस आपने लिखा है जीरो से एस, ये है एरिया ऑफ एक्सेलरेशन पोजिशन कर्व, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन एंड पोजिशन कर्व। और ये एरिया क्या दे रहा है आपको, ये बता रहा है वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर बाई टू, वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर बाई टू। तो ये है एक्सेलरेशन पोजिशन ग्राफ के लिए जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर ग्राफ्स की कुछ समरी है जिसको हम समझ लेते हैं। ग्राफ्स में पहली चीज आपने जो सीखा कि अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दिया जाए तो पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप से आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगा, पहली चीज। और पोजीशन टाइम ग्राफ के एरिया से आपको कोई भी रिलेवेंट क्वांटिटी नहीं मिलती है, दूसरी चीज। पोजीशन टाइम के बाद आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो कर्व का स्लोप होगा, ये कर्व का स्लोप हमको दे देगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये कर्व का स्लोप हमको दे देगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर कर्व के एरिया की बात करें तो एरिया हमको दे देगा डिस्प्लेसमेंट। थर्ड हमारा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा ये एक क्वांटिटी देता है जर्क, जो कि सिलेबस में नहीं है इसलिए अननेसेसरी मैंने इसको डिस्कस भी नहीं किया है। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया की बात करें तो एरिया हमको दे देता है चेंज इन वेलोसिटी, ये हमको दे देगा चेंज इन वेलोसिटी, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद लास्ट में जो हमने ग्राफ देखा था एक्सेलरेशन पोजिशन ग्राफ, अब एक्सेलरेशन पोजिशन ग्राफ में स्लोप से हमको कोई रिलेवेंट डेटा नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम एरिया की बात करें तो एक्सेलरेशन पोजिशन ग्राफ का जो एरिया होगा ये एरिया हमको दे देगा वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर बाई टू, ये वेलोसिटीज का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करके अपॉन में हाफ करके इस पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेलरेशन पोजिशन ग्राफ का एरिया हमको निकाल के देता है। जहाँ कहीं भी ऐसा कर्व दिखेगा तो हम स्टैंडर्ड ये रिजल्ट है तो अप्लाई करने का प्रयास। अब इसमें हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, एक एक करके इन न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन इन द फिगर फॉर अ पार्टिकल, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज। इस क्वेश्चन में हमसे पार्टिकल का एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। तो वी टी ग्राफ है और वी टी ग्राफ में जो स्लोप होता है ये हमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताता है, स्लोप हमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताता है। तो हमको निकालना है स्लोप। अब देखिए ये जो लाइन बनी है, अगर आप इसका एक्स एक्सिस से एंगल देखें, इस एंगल को हमने कह दिया थीटा, ये एंगल हमारा हो गया थीटा। तो ये जो बचा हुआ एंगल बचा ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। और ये जो ट्रायंगल है, अगर इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में हम एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करें टेन 180 माइनस थीटा, तो ये टेन 180 माइनस थीटा जब अप्लाई करेंगे तो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब ये परपेंडिकुलर है 15 और बेस है 3, तो डिवाइड करिए टेन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 15 बाई 3, ये आएगा 5। और टेन 180 माइनस थीटा ये होता है माइनस टेन थीटा, तो माइनस टेन थीटा का वैल्यू आया 5, दैट मीन्स टेन थीटा का वैल्यू आएगा माइनस 5। तो यहाँ पर अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखें तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा टेन थीटा और इसका वैल्यू आया है माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो एक्सेलरेशन हमको मिलने वाला है वो आएगा माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। इसके बाद है क्वेश्चन टू। क्वेश्चन टू में कहा गया है फिगर शोज द पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ टू बॉयज ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल ओ टू देयर होम्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू।
पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है जिसमें दो बच्चे अपने स्कूल से घर आ रहे हैं और स्कूल की पोजीशन ओ दिखाई गई है एंड देयर होम्स के उनकी जो घर हैं उनकी पोजीशंस पी और क्यू दिखाई गई है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है उसकी बात हमसे कही जा रही है। देखिए तो ये जो ग्राफ है ये है पोजीशन टाइम ग्राफ, बाकी की इन्फॉर्मेशन सिर्फ क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए दी गई है। आप पहले कर्व का नेचर देखिए, कर्व है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ में मैंने आपको ग्राफ के लिए बताया है कि अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हो तो इसका जो स्लोप होता है ये आपको वेलोसिटी की इन्फॉर्मेशन दे देगा। अब यहाँ पर ऑप्शंस अगर आप पढ़ें, ए वॉक्स फास्टर देन बी, बोथ ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम, बी स्टार्ट्स फ्रॉम होम अर्लियर देन ए, बी ओवरटेक्स ए ऑन हिज वे टू होम, तो ये जो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं ये सारी चीज़ें वेलोसिटी पोजीशन को रिलेट कर रही हैं। तो एक एक करके सबसे पहले हम वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप इन दोनों कर्व को, जो भी ये दो कर्व दिए गए हैं ए और बी के लिए, ए के लिए ये कर्व है और बी के लिए ये दूसरा वाला कर्व है, अगर आप दोनों में से ढलान देखें या स्लोप देखें तो ए वाले कर्व का ये ढलान थीटा वन ये कम है और बी वाले स्लोप का जो ढलान है थीटा टू ज़्यादा है। तो थीटा टू अगर थीटा वन से ज़्यादा है तो इसका मतलब है टेन थीटा टू ये बड़ा होगा टेन थीटा वन से, इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी होगा पार्टिकल बी का वो ज़्यादा होगा पार्टिकल ए से। तो अब ज़रा देखिए कहीं किसी ऑप्शन में वेलोसिटी ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए कहा गया है, नहीं कहा गया है। कहा जा रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन में ए वॉक्स फास्टर देन बी, नहीं, बिकॉज ए का स्पीड कम है तो ए बी से तेज नहीं चल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। बोथ ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम, दोनों ए और बी अपने घर एक समय एक साथ एक ही समय पर पहुंचते हैं, इसको ज़रा देख लेते हैं। तो ये जो पी के घर की लोकेशन है इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप लाइन ड्रॉ करें कुछ इस तरीके से और बी का जो घर है उसके हिसाब से लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से मिलेगी, और दोनों के करस्पॉन्डिंग अगर आप टाइम देखें तो जैसे जैसे दोनों बच्चे अपने घर पहुंचेंगे तो जो दोनों के बीच में टाइम आएगा ये डिफरेंट है, टी वन टी टू ये आपको अलग अलग मिल रहा है। इसका मतलब बोथ ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम ये नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि जो घर की लोकेशन है वहाँ से अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करें तो ये लाइन आपको दो अलग अलग टाइम्स देती है, इसका मतलब दोनों अलग अलग समय पर घर पहुँचते हैं। सी पार्ट की बात करते हैं, कहा जा रहा है कि बी स्टार्ट्स फॉर होम अर्लियर देन ए, बी घर के लिए पहले निकलता है, इसको तो समझ लेते हैं। तो बी का जो कर्व है वो यहाँ से चालू हुआ है, मतलब टाइम t इज इक्वल टू जीरो पर ए ने चलना शुरू कर दिया था, बट बी ने चलना शुरू नहीं किया है, बी जो पार्टिकल है वो यहाँ कहीं से चलना शुरू करता है इस पर्टिकुलर टाइम से। तो इसका मतलब क्या है कि बी देर में चल रहा है और ए ने पहले चलना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर ये जो थर्ड ऑप्शन है ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब हमारे पास केवल चौथा ऑप्शन बचा, बी ओवरटेक्स ए ऑन हिज वे टू होम, ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है क्योंकि आप देख भी रहे हैं कि दोनों कर्व इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मतलब ए और बी दोनों एक जगह मिल रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं बी ओवरटेक्स ए ऑन हिज वे टू होम, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर, द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 6 सेकेंड, हमसे 0 से 6 सेकेंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ वीटी ग्राफ दिया हो तो इसका जो एरिया होता है ये आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा। अब डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है और डिस्टेंस भी निकालना है तो एक चीज़ समझ आनी चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एरिया से ही जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट पोर्शन है कर्व का, ये सेकेंड पोर्शन है कर्व का, ये थर्ड पोर्शन है कर्व का। अब इसमें देखिए ज़रा, अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो सीधे सीधे आप कर्व्स का एरिया निकाल लो, ए वन ए टू ए थ्री, और इन एरिया को सीधे सीधे ऐड कर दो तो ऐड करने पर जो टोटल वैल्यू आएगी वो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो टाइम एक्सिस के ऊपर वाला जो एरिया है इसको प्लस साइन के साथ लिख लीजिए और टाइम एक्सिस के नीचे वाला जो एरिया है इसको नेगेटिव साइन के साथ लिख लीजिए और यहाँ से फिर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लीजिए। तो अगर हम A1 निकालें तो A1 का वैल्यू होगा 4 × 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो जाएगा 8। सिमिलरली अगर आप A2 निकालें तो आएगा 2 × 2 दैट मीन्स 4, और अगर आप A3 निकालें तो आएगा 2 ×
टू, ये भी आ जाएगा फोर। अब अगर आप डिस्टेंस चाहते हैं तो आप करेंगे 8 + 4 + 4, ये आएगा 16 मीटर। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट चाहते हैं तो लिखेंगे 8 m - 4 m + 4 m, बिकॉज यहाँ पर ये पार्टिकल के जो वेलोसिटी थी वो नेगेटिव में हुई है, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई है, इस वजह से हम इस तरीके से करेंगे, -4 + 4 को कैंसिल कर दो, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 8 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, डिस्प्लेसमेंट है हमारा 8 मीटर और डिस्टेंस है 16, तो 8, 16 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज शोन इन द फिगर, द करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज करेक्टली शोन बाई। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको दिया गया है और पोजिशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमसे पूछा जा रहा है। तो एक चीज़ आप देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है हमको, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अगर पोजिशन टाइम ग्राफ दिया हो तो पोजिशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ये हमको वेलोसिटी दे देगा, पोजिशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी दे देगा। तो ऑप्शन चेकिंग हम इसमें करेंगे, जैसे कि अगर आप ऑप्शन में आएँ, आप फर्स्ट ऑप्शन में देखें, फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप देखें तो पोजिशन टाइम ग्राफ जो दिया गया है ये है स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर ये पोजिशन टाइम ग्राफ का स्लोप अगर आप निकालेंगे तो स्लोप ये कांस्टेंट रहेगा, स्लोप कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में जो फिगर दिया है उसको देखें तो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो से इंक्रीज कर रही है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है ये रॉन्ग है। आते हैं सेकेंड ऑप्शन में, सेकेंड ऑप्शन में भी ये जो शुरुआत में फ्रंट वाला पोर्शन ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप कॉन्स्टेंट होता है, स्लोप कॉन्स्टेंट होगा मतलब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होगी, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी जीरो से ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रही है तो सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। अब हमारे पास बचा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन सी को देखिए, जैसे जैसे कर्व पे आप ऊपर जाओ तो आपको दिखेगा यहाँ पर, आप टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो, इस तरीके से स्लोप मिलेगा, नेक्स्ट पॉइंट पे कुछ ऐसा स्लोप मिलेगा, नेक्स्ट पॉइंट पे और ज़्यादा स्लोप मिलेगा। तो जैसे जैसे कर्व पे आप आगे बढ़ रहे हैं जो ढलान है, जो स्लोप है वो इंक्रीज़ कर रहा है। अब जैसे जैसे यहाँ पर स्लोप इंक्रीज़ करेगा तो वेलोसिटी भी इंक्रीज़ करेगी, तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन में स्लोप जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, और पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी, दैट मींस वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, तो स्लोप इंक्रीज़ कर रहा है इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, और ये तो क्वेश्चन में भी इंडिकेटेड है कि वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। और उसके बाद क्या हुआ है, ग्राफ नीचे आया है और वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है, नेगेटिव यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव हो चुकी है। तो अगर आप देखें इसके बाद का कर्व, ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर, अगर आप ये थीटा देखें, ये एंगल थीटा 90 डिग्री से बड़ा है, मतलब इस लाइन का जो स्लोप आएगा वो आएगा नेगेटिव, स्लोप आएगा नेगेटिव, और स्लोप नेगेटिव है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है, दैट मींस वेलोसिटी नेगेटिव है, तो वो चीज़ ग्राफ में भी इंडिकेटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ अ ट्रेन बिटवीन टू स्टेशन इज शोन इन द फिगर, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन इज। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है और हमको ट्रेन का मैक्सिमम स्पीड पूछा जा रहा है। देखिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया रहता है ये आपको देता है चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी। अब आपसे पूछा है मैक्सिमम वेलोसिटी, देखिए एक्सेलरेशन ये जब तक पॉजिटिव है तब तक इस वेलोसिटी को बढ़ाएगा, और 8 सेकेंड के बाद, 12 सेकेंड तक पहुँचने के बाद ये जो वेलोसिटी वेलोसिटी है ये घटनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज अभी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो चुका है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर मिलेगी, इस 8 सेकेंड पर, यहाँ पर जो होगा ये होगा मैक्सिमम वेलोसिटी, बिकॉज इसके पहले एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव था, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी आपको मिलेगी 8 सेकेंड पर। हमसे मैक्सिमम स्पीड ही पूछा जा रहा है, तो आप सीधे सीधे इस कर्व का एरिया निकाल लो, और ये जो एरिया होगा ये आपको चेंज इन वेलोसिटी दे देगा। अब एरिया देखिए कितना आएगा, तो ट्रायंगल का एरिया अगर आप निकालें तो 1/2 4 × 5, तो 1/2 इस ट्रायंगल का एरिया, 1/2 बेस हो जाएगा 4 और हाइट हो जाएगा 5, तो यहाँ से ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया निकालें तो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 4 × 5, और ये आपको दे देगा चेंज इन वेलोसिटी, दैट मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 10 + 20 = V, तो V का वैल्यू आ जाएगा 30 m/s। यहाँ से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम स्पीड होगा ट्रेन का वो आएगा 30 m/s, दैट मीन्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हिच ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन, इनमें से कौन सा ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यूनिफॉर्म मोशन का सीधा सा मतलब ये है, पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल टाइम में, तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। अब पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कब ट्रेवल करेगा, जब पार्टिकल का वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होगा। वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होने का मतलब क्या है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। अब एक एक करके देखो, तो फर्स्ट ग्राफ में अगर आप पोजिशन टाइम ग्राफ देखें तो ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का स्लोप कॉन्स्टेंट होता है, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कॉन्स्टेंट है और पोजिशन टाइम ग्राफ में स्लोप आपको देगा वेलोसिटी, इसका मतलब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम करना है या यूनिफॉर्म मोशन ट्रेवल करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। आज के लिए इस वीडियो में हम इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम मोशन स्ट्रेट लाइन से जुड़े हुए आगे एक कॉन्सेप्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।